और इस बीच बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि जैसे इसराइल की तरफ से हिजबुल्ला के टॉप कमांडरों की लिस्ट जारी की गई थी, वैसे ही ईरान की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को टॉप लिस्ट में रखा गया है और उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का मैसेज लिखा गया है। इसराइल के खिलाफ ईरान की पोस्टर मिसाइल। ईरान के पोस्टर में नेतन्याहू को बताया गया मोस्ट वांटेड। बारूदी जंग के बीच ईरान का पोस्टर वॉर। वॉर जोन में इस वक्त भयानक भगदड़ मची है। मिसाइल हमलों के बीच लगातार बजते सायरन किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लोग जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच एक पोस्टर ने ईरान की मंशाओं को दुनिया के सामने ला दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये पोस्टर ईरान की तरफ से ही जारी किया गया है। इस पोस्टर में इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को मोस्ट वॉन्टेड करार दिया गया है और पोस्टर के जरिए उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने की बातें लिखी गई हैं। यानी ईरान सीधे सीधे बेन्यामिन नेतन्याहू को टारगेट करना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध के कयासों का भी जिक्र कर दिया है। The world right now is spiraling out of control. You might not have seen what's happened because it was a few time ago. Iran launched 181 ballistic missiles at Israel and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. ईरान के इस पोस्टर वॉर की कहानी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला की मौत के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया था। इस पोस्टर में उन लोगों का नाम शामिल था जिन्हें इसराइल ने मौत की नींद सुला दिया था, यानी वो लिस्ट जो इसराइल के लिए वांछित आतंकी थे। इस लिस्ट में हसन नसरल्ला का नाम टॉप पर था। यही वजह है कि ईरान के इस पोस्टर को उसी पोस्टर के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इस पोस्टर में सिर्फ बेन्यामिन नेतन्याहू का ही नाम नहीं है बल्कि कई और बेहद अहम लोगों के नाम शामिल है, जिसमें इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट, इसराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हर्जी हलेवी, इसराइल एयरफोर्स के कमांडर टोमर बार, नॉर्दर्न कमांड के हेड ओरी गार्डन, नेवी कमांडर सार सलामा, डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ आमिर बराम, हेड ऑफ सेंट्रल कमांड अलूफ यहूदा फॉक्स, चीफ ऑफ ग्राउंड फोर्स टामिर यदेई, हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस एहरान हलीवा और हेड ऑफ साउथर्न कमांड के नाम शामिल हैं। इस पोस्टर में सभी को आतंकी बताया गया है। इजराइल के जल थल और वायु सेना से जुड़े लोगों के नाम इस लिस्ट में होने का साफ मतलब है कि ईरान किसी भी कीमत पर इन लोगों को मारना चाहता है, लेकिन इजराइल की सेना भी ईरान को सबक सिखाने को बेताब है। ईरान और इसराइल के बीच जंग के बीच दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के बाहर सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इजरायली एम्बेसी के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। ये दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये है कि यहाँ पर दूतावास की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। इजरायली एम्बेसी के बाहर सुरक्षा और भी पुख्ता कर दी गई है। जब से ईरान की तरफ से इसराइल पर यह बहुत बड़ा हमला किया गया है उसके बाद से ही स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। अब इसराइल एम्बेसी के बाहर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। ये दिल्ली से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। ईरान और इसराइल युद्ध के बीच ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली में इसराइल एम्बेसी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ये जानकारी वहां से मिल रही है कि एम्बेसी के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। ये कुछ तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही हैं। यहाँ पर इजरायली एम्बेसी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली में एम्बेसी और इसके बाहर सुरक्षा बल की यहाँ पर तैनाती की गई है। और इधर ईरान इसराइल युद्ध पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने यूएन और इस्लामिक देशों पर हमला बोला है। इल्तिजा ने कहा है कि फिलिस्तीन के लिए यूएन और तथाकथित इस्लामिक देश खामोश रहे।
ईरान अकेले फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर इल्तिजा मुफ्ती ने ये तमाम बातें लिखी हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ईरान इसराइल युद्ध पर महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने यूएन और इस्लामिक देशों पर बड़ा हमला बोल दिया है, जो उनकी तरफ से ट्वीट कर लिखा गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इल्तिजा ने कहा कि फिलिस्तीन के लिए यूएन और तथा कथित इस्लामिक देश खामोश रहे। इसराइल पर हुए हमले के बाद से प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी अब दे दी है। इसराइल ने कहा कि ईरान ने जो किया है उसकी बहुत भारी कीमत उसे चुकानी होगी। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया समेत इसराइल का समर्थन देने वाले तमाम देश ईरान के खिलाफ अब लामबंद हो गए हैं, यानी जो कुछ अभी दुनिया देख रही है उससे भी भयानक स्थिति मिडिल ईस्ट में हो सकती है। मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही की आहट, ईरान के मिसाइल हमलों ने बजाया बर्बादी का सायरन। इजराइल पर हमले को लेकर कई देशों में आक्रोश। क्या ईरान का हमला सब कुछ ले डूबेगा? इजराइल के आसमान में आग उगलती इन बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक बहुत बड़े खतरे को दावत दे दी है। हिजबुल्ला के सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने की तड़प ने ईरान के हाथों वो गलती करवा दी है जिसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का गुस्सा इस बात की तस्दीक कर रहा है। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה ערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. ईरान के हमले पर इसराइल की डिफेंस फोर्स का बड़ा बयान सामने आया है। इसराइल की डिफेंस फोर्स का कहना है कि ईरान के खिलाफ हमारा ऑपरेशन तैयार है। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. इसराइल पर हुए इस हमले के बाद ईरान समर्थित देशों में जश्न का माहौल है। बगदाद से लेकर बसरा तक ईरान के हमले का जश्न मनाया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले को हसन नसरल्ला की शहादत के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अमेरिका ने जो कुछ कहा है वो इस जश्न को किसी भी वक्त मातम की नई लहर में तब्दील कर सकता है, क्योंकि इसराइल पर हुए हमले के बाद अमेरिका की तरफ से डराने वाली प्रतिक्रिया आई। हम इसराइल की मदद के लिए तैयार हैं, ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा। इसराइल पर ईरान के हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी सामने आया है। बाइडेन ने कहा है कि इस वक्त अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने इसराइल पर जो हमला किया वो पूरी तरह से फेल था। The United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and the U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake. The United States is fully supportive of Israel. इजराइल पर हमले के बाद ब्रिटेन का भी बड़ा बयान आया है। ब्रिटेन ने कहा है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है और ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़ा है। The regime has launched over 200 ballistic missiles at civilian targets in Israel.
It's too soon to assess the impact fully. But I utterly condemn this attempt by the Iranian regime to harm innocent Israelis, to escalate this incredibly dangerous situation and push the region ever closer to the brink. It cannot be tolerated. We stand with Israel and we recognize her right to self-defense in the face of this aggression. Iran must stop these attacks. उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी इसराइल पर हुए हमले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से वॉर जोन से निकलने की अपील भी की है। We of course condemn Iran's actions. We once again reiterate the call that we've made along with the United States, the United Kingdom, the European Union, Italy, Germany, Japan, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, other nations as well, calling for a de-escalation. We're very concerned about Iran's actions, which is why we condemn them. वॉर जोन में बसती इस तबाही के सायरन पर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। We understand that Israel had a need to respond, but we also believe that any response by any country has to take into account international humanitarian law, that it must be careful about any damage or any implications for civilian populations. And that given what has happened in Gaza, it is important to have some kind of international humanitarian effort out there. And we are very much concerned at the possibility of a broadening of the conflict, not just what happened in Lebanon, but also, I referred earlier to the Houthis and the Red Sea. And, to some extent, anything that happens between Iran and Israel. Yani, badle ki aag mein dhadakti ye kahani Middle East ke liye darane wali chunautiyan lekar aane wali hai. Kyunki Israel par hue hamle ko duniya ke kai desh aatanki hamle ke taur par dekh rahe hain. Yahi wajah hai ki Iran ke liye aane wale kuch ghante bahut bhari sabit ho sakte hain. और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान इजराइल युद्ध में अब यमन भी कूद गया है। यमन ने इजराइल पर हमले का बड़ा ऐलान कर दिया है। इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा यमन। क्रूज मिसाइल से इसराइल पर हमले की चेतावनी यमन की तरफ से दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है, यमन ने इसराइल पर हमले का ऐलान कर दिया है। तो एक तरफ इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध, ये जंग छिड़ चुका है, और दूसरी तरफ अब आपको ये भी बता दें कि क्रूज मिसाइल से इसराइल पर हमले की चेतावनी यमन की तरफ से जारी कर दी गई है। ईरान इसराइल युद्ध में अब यमन भी कूद चुका है। तो यमन ने भी इस युद्ध में एंट्री का ऐलान कर दिया है और इसराइल पर हमले का ऐलान यमन की तरफ से किया गया है। अब सवाल यह है कि इसराइल की सुरक्षा में चूक आखिर हुई कैसे? आयरन डोम जैसे सुरक्षा कवच से लैस इसराइल में इतना बड़ा हमला असरदार कैसे साबित हुआ, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसराइल के पास मुख्य तौर पर अलग अलग डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के हमले को रोकने का काम करते हैं, और उन्हीं के बारे में एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे अहम तो आयरन डोम है, जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर, और इसमें तामर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। डेविड स्लिंग है, जिसकी रेंज है 300 किलोमीटर, और जिसमें इस्तेमाल होता है स्टनर मिसाइल। और वहीं सबसे लंबी दूरी का एरो सिस्टम भी है, जिसकी रेंज 2400 किलोमीटर है, जो एरो 2 और एरो 3 मिसाइल से लैस है। लेकिन इसके बावजूद इसराइल का यह डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो गया, कैसे ईरान की तरफ से इतना बड़ा हमला सक्सेसफुल हो गया, इस पर बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। Time ago, Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe.
और इस बीच वैसे इसराइल का साथ देने के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। यूएस नौसेना की इस इलाके में जबरदस्त मौजूदगी है। मौजूदगी कहां कहां है ये हम आपको बताते हैं। पूरे पश्चिम एशिया में किस तरीके से इस वक्त अमेरिका की मौजूदगी है वो आप इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। यहां पर आपको बता दें कि अमेरिकी जंगी जहाजों की तैनाती देखी जा रही है। इसमें स्ट्राइक ग्रुप के साथ साथ ही एम्फीबियस रेडी ग्रुप भी शामिल है, यानी कि नौसेना की ऐसी ताकत जो तमाम हमलों को नाकाम कर सकती है, हमलों को अंजाम दे सकती है और साथ ही जमीनी जंग में उतर सकती है। आपको चाहते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से भूमध्य सागर से लेकर, आप यहां देखेंगे भूमध्य सागर से इसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये किस तरीके से आगे फैलता है ओमान की खाड़ी तक और सेज नहर से लेकर लाल सागर तक और फिर अदेन की खाड़ी से फारस की खाड़ी तक। लगातार आप ये नेटवर्क देख सकते हैं, अमेरिकी नौसेना की तैनाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि यहां पर जॉर्डन, सीरिया, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और इराक, इसके साथ ही यूएई और ओमान में भी अमेरिकी सेना के बेसिस मौजूद हैं, जहां हजारों की संख्या में अमेरिकी सेना फिलहाल तैनात है। अलग अलग जगहों पर उनकी मौजूदगी है और डिफेंस सिस्टम के साथ साथ रक्षात्मक और हमले करने के लिए सेना की यहां पर तैनाती की गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना को इसराइल की मदद के निर्देश दिए हैं। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पश्चिम एशिया में अमेरिका की सेना आखिर कहां कहां मौजूद है। एक एक करके आप इसे समझिए और मौजूदगी कहां कहां पर है, कितने की संख्या में है वो भी देखिए। सीरिया में 800, इसके अलावा इराक में 2500 और सऊदी अरब में 2700। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैनाती की आप आंकड़े जो है वो देख पा रहे हैं। यूएई में 3500, कतर में 10,000 सैनिकों की तैनाती की गई है अमेरिका की तरफ से। यहां पर जॉर्डन भी है जहां पर तैनाती की गई है। एक बार फिर से आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने अलग अलग जगहों पर तैनाती की हुई है। इजराइल पर हमले के बाद दुनिया के कई देश इस हमले की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इन सबसे उलट ईरान और इराक में इसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। कल रात जैसे ही इजराइल पर ईरान का मिसाइल अटैक होता है, इसकी खबर पहुंचते ही इराक में जश्न शुरू हो जाता है। बगदाद की सड़कों पर उतरकर लोग जश्न मनाने लगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें ईरान में तेहरान की सड़कों पर दिखी। जॉर्डन में भी लोग खुशी के माहौल में दिखाई दिए। जॉर्डन में जश्न मनाया गया, लोग सड़कों पर उतर आए, हमले के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। दरअसल ईरान ने यह हमला इसलिए किया है क्योंकि उसके पास जॉर्डन जैसे देशों की, इसके अलावा अगर हम बात करें कि बाकी देशों की, उसके पास पूरी फौज मौजूद है जो उनके साथ हैं। ऐसे में जैसे ही हमला इसराइल पर होता है, कैसे जश्न मनाया जाता है ये आप देख सकते हैं। बगदाद में जश्न का माहौल नजर आता है, तेहरान की सड़कों पर भी लोग झूम उठते हैं और जॉर्डन में भी ऐसी ही तस्वीरें नजर आती है। यहां पर कहा गया कि बदला ले लिया है इराक। इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है इसराइल पर हमले को लेकर। ईरान ने इसराइल के 2 एयरबेस तबाह कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि नेवातेम एयरबेस पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। ईरानी हमले में कई F-35 लड़ाकू विमान तबाह होने की जानकारी सामने आ रही है। इसराइल के हेजरिम एयरबेस पर भी मिसाइल अटैक हुआ है। हेजरिम एयरबेस पर तैनात F-15 विमान नष्ट हो गए हैं। ये बड़ा हमला किया गया है, 2 एयरबेस को निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से, जिसमें F-35 लड़ाकू विमान नष्ट हुए हैं। इसके अलावा F-15 विमानों के भी नष्ट होने की जानकारी वहां से सामने आ रही है। इसराइल के 2 एयरबेस ईरान ने तबाह कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों के नष्ट होने की खबर भी मिल रही है। नेवातेम एयरबेस पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं, मिसाइल अटैक हुआ है। ईरानी हमले में F-35 लड़ाकू विमान तबाह हुए हैं। और अब सवाल यह है कि इसराइल की सुरक्षा में आखिर चूक कहां हुई। आयरन डोम जैसे सुरक्षा कवच से लैस इसराइल में इतना बड़ा हमला कैसे असरदार साबित हुआ, इसे समझना भी जरूरी है। इसराइल के पास मुख्य तौर पर अलग अलग डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के हमले को रोकने का काम करते हैं। आपको बता दें कि यहां पर कौन कौन से ऐसे सुरक्षा कवच है इसराइल के पास जो फिलहाल फेल साबित हुए हैं। सबसे पहले आयरन डोम की हम बात करते हैं। देखिए, इसकी रेंज है 150 किलोमीटर और इसमें टावर मिसाइल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपको बता कि डेविड स्लिंग, जिसकी रेंज है 300 किलोमीटर और इसमें इस्तेमाल होता है स्टनर मिसाइल। वहीं सबसे लंबी दूरी का एरो सिस्टम, जिसकी रेंज 2400 किलोमीटर है और जो एरो 2 और एरो 3 मिसाइल से लैस बताई जाती है। तो ये यहां पर आपको बता दें कि सुरक्षा कवच है, लेकिन इस बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जब इसराइल इतना ज्यादा लैस है सुरक्षा कवच से, फिर ये सभी सुरक्षा कवच कैसे इस बार फेल साबित हो गए कि ईरान ने जो उसके ऊपर मिसाइल